जनता की आवाज, मन की बात, जनता के साथ हमारा राजस्थान न्यूज पर देखिए। हमारे साथ मौजूद है कृष्ण जी गोदारा। सर, हमारा राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। अब तक हमें जानकारी है 20 साल से कांग्रेस में सेवा दे रहे हैं, तो राजनीति की शुरुआत आपने कैसी और कब से की? बस परिवार के संस्कार हिसाब किताब से जो एक जन जन भावना बन गई और सोशल सेवा काम का विकास के लिए मन था। जैसे गांव में आज जो भी विकास है, बहुत पहले जैसे गांव में बिजली आनी है, कोई पाइपलाइन डालनी है, या जो गोदाम जो हमारे गांव में बना है, या पंचायत भवन के लिए भी खींचा डालनी थी, मैंने मेरे गांव में ये पंचायत भवन बनाया। बिजली के लिए भी हमारी थी 10 SPT के नाम से, तो हमने 8 SPT लगाई भी है। इसकी कुछ बात यह, शुरू से स्टूडेंट लाइफ से मेरी ये सोच थी एक सोशल वर्क के रूप में, और इस वजह से मैं लोगों से जुड़ता गया, लोगों की भावना मेरे से जुड़ती गई, तो आज जो जनता के बीच में जनता के चाने के लिए। जी सर, आपने जहाँ तक अभी जानकारी है 2 से 3 चुनाव लड़े हैं जी, और जिसके अंदर आपने काफी विजय भी हासिल की है जी। तो अभी जैसे सोशल मीडिया के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जैसे सूरतगढ़ विधानसभा से आपको पूर्ण रूप से दावेदार माना जाता है सोशल मीडिया के तहत। हमारे चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी 101% यहाँ जीत निकल कर सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल यही कारण है जो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही सोशल सेवा भाव से काम किया। हर आदमी में मेरा जो है लोगों से लगाव है, आत्मीयता लगाव है, लोगों को भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि कोई जाति पाति की सोच अपने में नहीं है। अच्छा काम किया, लोगों को साथ लेकर के चला, लोगों की भावना है। पीछे बच्चे को चुनाव भी लड़ा तो उसने पंचायत का, फिर पीछे लोगों ने सरपंच की जिम्मेवारी दी, अब सरपंच का चुनाव लड़ा, तो लोगों की भावनाएं थी। इसलिए लोग चाहते हैं कि भी ठीक है, सुशील आदमी अगर राजनीति में आए तो एक हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा। जिम्मेवारी थी लगभग 4.5-5 करोड़ का मैंने काम करवाया, उसमें जितने भी 12 आपने देखा इंटरलॉकिंग वगैरह हुए, सारा का सारा करवाया। और भी सड़का है, हमारा एरिया बहुत बैकवर्ड था, ये पूरी सरदारगढ़ पंचायत जिसकी आज 5 पंचायतें बन गई, तो इसमें सड़कों की थी, 2 सड़कें बन गई, कुछ रही है सड़कों की दिक्कत है, तो ये इधर का रास्ता है वो सड़क बने। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कंटोनमेंट है पास में, जो इसके अंदर से जिस रोड से आप आए हैं ये सड़क आर्मी कभी बंद कर सकती है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऑप्शन में हमारी सड़क है, इधर गंगानगर से जुड़ जाए और इधर से छावनी के अंदर से सूरतगढ़ की तरफ जुड़ जाए, ये एक काम की समस्या है। इसमें अच्छे अवसर आते हैं तो रास्ता खोल देते हैं, कोई और आ गया सिद्धांत बंद कर दिया तो बड़े काम के लिए मुश्किल होगी, ये थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात, ये चाहता हूँ। सर, आपकी नज़र में जो मौजूदा सरकार है और जो यहाँ के लोकल विधायक राजेंद्र जी बहादुर रहे हैं, तो उनका उनके कार्यकाल पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कार्यकाल के ऊपर तो देखो बोलना तो यही है, जो पहले कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं स्कीम लेके आई थी किसानों के हित की थी, वो किसान ने वो स्कीमें धीरे धीरे लगभग प्राय बंद कर दी, जैसे डिग्री का अनुदान था, फ्री मेडिकल जो गरीबों के लिए जो था, ये दवाइयों की दुकानें थी, जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। बाकी यहाँ जो है अभी एक काम जो है कह सकते हैं पंचायत के तहत राजेंद्र जी बहादुर के समय में कोई नहीं हो पाया, और पिता जो कांग्रेस जो जीती यहाँ सुनकर जिसने काम करवाए थे वो काम अभी नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। मुख्य तो एक हमारे गांव की डिमांड यही थी सड़क इधर से ही जुड़े, लेकिन वो टेंडर भी हो गए थे पिछली सरकार में, सरकार ने आने के बाद भी उन पर वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए, तो वो काम अटका पड़ा है। ये कौन सी आवाज़ उठाएंगे और किसानों के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है आपके पास में जिस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हो और उसके मुताबिक आप जीत आपकी जीत होने वाली है? देखो, किसान का तो सबसे मेन है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, किसानों को लागत मूल्य से 1.5 गुना मिले, और किसान के लिए जो योजनाएं प्रवृत्ति सरकार में बनी वो उसको मिलनी चाहिए, डिग्री पे अनुदान बढ़ा के 3 लाख करना चाहिए, सौर ऊर्जा पे उसको मिलना चाहिए, ताकि वो बिजली है जो किसानों की है जैसे पंजाब हरियाणा में मुफ्त रखी है, तो उसमें भी छूट देनी चाहिए, बेतासा रेट बढ़ते जा रहे हैं, और किसान की जो स्पॉट प्राइस जो तय कर दिए उसके लिए सरकार को अपनी एजेंसियों के थ्रू उसको खरीदना चाहिए, ताकि किसान को वाजिब मूल्य मिले, वो आत्महत्या नहीं करे। ये एक बात, ये सिर्फ मैं यही है कि जो लोग ऊपर काबिज है सत्ता में एक बार वो तो वो, लेकिन किसान का तो ये 78 के अंदर एक बार वो चरण सिंह जी उस किसान का मुद्दा विधान लोकसभा में उठा, उससे पहले कभी नहीं उठा। अगर किसान की चर्चा करते हैं, लेकिन
किसान का हमदर्दी मेरे को नजर नहीं आई। तो हम लोग हैं यही विधानसभा में जाके किसान के यही मुद्दे उठाएंगे। किसान, थैंक यू सर, हमारा राजस्थान न्यूज़ को आपने समय दिया इसके लिए।